मोनी गांव के पास नदी के किनारे एक बहुत पुरानी मूर्ति से लगी हुई है। कई बार वहां से आना जाना हुआ मगर ये समझ में नहीं आया कि आखिर मूर्ति किसकी है। गांव के सारे लड़के जो अक्सर अपना समय व्यर्थ गंवाया करते थे और गांव की लगभग सारी खबरें रखते थे, उनसे पूछने पर भी ये नहीं पता चल पाया कि आखिर मूर्ति किसकी है। मूर्ति के नीचे अंग्रेजी में कुछ लिखा भी हुआ था जिसे देखने में समझ आता था कि अंग्रेजों के जमाने की मूर्ति है और किसी विशेष व्यक्ति की ही होगी। मन में हमेशा ये उथल पुथल रहती कि आखिर वो मूर्ति किसकी है। और एक दिन खोज कामयाब हो गई, एक महाशय मिले जिन्होंने बताया कि आखिर वो मूर्ति किसकी है। कहानी थोड़ी लंबी है। उन्होंने बताया कि कहानी तब की है जब भारत आजाद नहीं हुआ था और अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे दादा कहे या परदादा के समय की कहानी हो सकती है ये। उस समय हर तरफ अंग्रेजों का ही राज था, कोर्ट कानून सब कुछ उनके हाथों में था। कोर्ट में बड़े बड़े अंग्रेज साहब जज वकील वगैरह बने हुए थे। ऐसे समय में एक शब्द प्रचलित था, वो था मुख्तियार। मुख्तियार उर्दू का शब्द था। मुख्तियार छोटे वकीलों को कहा जाता था जो लोकल लैंग्वेज जानते थे, अतः आसपास के गरीब लोग उन्हीं से संपर्क करते क्योंकि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी में बात कर सकना तो सबके बस की बात नहीं थी। इन्हें अंग्रेज लोग बुलाते थे मुख्तियार। ये मुख्तियार केस वगैरह लड़ने का काम करते थे। इन्हीं वकीलों में से एक थे रामानंद। रामानंद वैसे तो अच्छे वकील थे मगर उनकी एक कमी थी, वो बोलते बोलते तुतलाने लगते थे और ऐसे में कोर्ट में सब हंस देते, इसलिए जीतते वह केस भी वो हार जाते थे। अतः गरीब गुरबे जो बड़े वकीलों को पैसे नहीं दे पाते थे वो इनके पास आते थे। अक्सर कोर्ट के बाहर बैठे हुए वो लोगों से बोलते रहते, अरे अरे इधर इधर आइए, अच्छा वकील अच्छा मुख्तियार, मगर कोई भी उनके पास ना आता। उनके दो प्रतिद्वंदी वीरेन बाबू और देवेन बाबू अक्सर उन पर हंसा करते थे। अरे वो कराटी छोड़ दो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। अब उस जमाने की बात करें तो दिन भर में 8 आने तक की कमाई उनकी हो जाती थी, गरीबी में जैसे जैसे जिंदगी चल रही थी। रामानंद बाबू को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। उनकी गरीब जिंदगी की वजह से नहीं, उनकी एक और प्रॉब्लम थी, उन्हें अक्सर सरदर्द रहता था। अब ये उस जमाने की बात है जब आज की तरह दवाइयां तो थी नहीं कि कोई भी दवाई खा ली और ठीक हो गए। बहुत से वैद्य हकीम दिखाए मगर सर का वो दर्द जाता ही न था, बल्कि धीरे धीरे बढ़ने लगा। यहां तक कि रामानंद बाबू ने यह भी सोचना शुरू कर दिया था कि बहुत जल्द वो मरने वाले हैं। ऐसे ही एक दिन कोर्ट में बैठे हुए थे कि अचानक एक मुस्लिम व्यक्ति उनके पास आया। अस्सलाम वालेकुम भैया, एक केस देना था। बोलिए बोलिए, कौन था ते? मेरी गाय चोरी हो गई मियाँ, और वो ममदू शेख मेरा पड़ोसी, उसने मेरी गाय अपने खोली में बांध के रखी है। अच्छा अच्छा, मैं केत लाल डूंडा। कहते कहते अचानक रामानंद बाबू ने अपना सर पकड़ लिया और बोल पड़े, मैं तुम्हारा केस नहीं ले सकता, तुम जाओ 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 जाओ, कोई और वकील देखो। अचानक देवेन बाबू उनके पास आया। क्या हुआ है? अच्छा खासा केस आ रहा था, क्यों मना कर दिया? नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है, इतने इतने मजल किया है। क्या बकवास कर रहा, मटर किया है? गाय का केस लेके आया, मटर काट हुआ मुझे मुझे दिखा। अच्छा, अफीम अफीम खाने लगे हो क्या है? कहते हुए वो लोग चले गए। मगर निहायत ही अजीबोगरीब तरीके से एक दिन पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ लाई।
उसने अपने पड़ोसी के बेटे का कत्ल किया था। लोगों में पहले तो ये बात फैल गई कि रामानंद बाबू ने किसी तरह उस व्यक्ति को मर्डर करते हुए देख लिया होगा, मगर डर के मारे कह नहीं सके और उस बात को इस तरह से प्रकट की। मगर अगली घटना ने उन्हें पूरे गांव में प्रसिद्ध कर दिया। एक व्यक्ति पर 3 हत्याओं का केस चल रहा था। रामानंद बाबू का काम नहीं था कुछ, तो कोर्ट में ऐसे ही लोगों की भीड़ के बीच बैठे थे कि अचानक चीख पड़े, जज साहब ये खूनी नहीं है, इसके दोस्त ने खून किया, इसे फांसी मत दीजिए। और उसके पास जाकर बोले, तुम मुझे वकील करो, मैं कल तक सिद्ध कर दूंगा तुम हो। जज साहब नौजवान अंग्रेज ऑफिसर थे, वो बोल पड़े, व्हाट द नॉनसेंस यू आर डूइंग रामानंद, मुख्तियार होकर तुमको नहीं पता कोर्ट में खड़े रहना, भाग खाओ इसको। सब मेरी बात सुनिए, छल छल। और अगले दिन जो हुआ सब आश्चर्यजनक था। सच में उस व्यक्ति के दोस्त ने उसे फंसाया था। अजीब तरीके से सारी बातें पकड़ाई और सच्चाई सामने आई। बस इसके बाद क्या था, रामानंद बाबू तो जैसे प्रसिद्ध हो गए, ज्यादातर केस उनके पास आने लगे। मगर वो केस आने पर अपना सर पकड़कर पहले इधर उधर हिलाते और फिर कहते, मैं केस नहीं ले छोड़ूंगा भाई, तुम जाओ कोई और देखो। हाँ, केस मैं लूंगा, किसी जज की हिम्मत नहीं कि तुम्हें सजा दे सके। लोगों के बीच वो हारे हुए केस के धन्वंतरी कहना लगा। न जाने कितने ऐसे केसेस जो दूसरे वकील हार गए थे इनके पास आने पर जीत गए। घर पर बड़ा सा बोर्ड भी लग गया, हारे हुए केसेस के धन्वंतरी। जो लोग निराश हो चुके हैं यहां आए, मुझे अगर लगेगा सही तो मैं केस लूंगा। महीने के 5 रुपए उनकी पगार थी, उस समय 5 रुपए 5,000 रुपए जितने थे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लगी, ढेर सारे पैसे आने लगे। जिस केस को हाथ लगाते वो जीत जाते, मगर उनकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। सिर का दर्द बढ़ता चला जा रहा था। कई डॉक्टरों को तक को दिखा लिया, अंग्रेज डॉक्टरों को, मगर हालत देखकर लग रहा था कि ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। ऐसे में अचानक गांव में एक कांड हो गया। जमींदार के बेटे ने मजदूरों के साथ बहसबाजी में गोली चला दी, 2-3 गरीब मजदूर भी मारे गए। मगर जमींदार का कहना था कि बेटा उस दिन गांव में था ही नहीं, इसके लिए उसके पास ढेर सारे सबूत भी थे, पैसों से सब कुछ किया जा सकता है। मगर अचानक रामानंद बाबू के पास जमींदार का बुलावा आया, साथ में पालकी भी आई। तबीयत बहुत खराब थी, मगर जमींदार से कौन टक्कर लेता, जाना पड़ा। वहां पर उनकी बहुत खातिरदारी हुई। अंत में जमींदार ने कहा, देखिए मेरा बेटा, कुछ मेरे दुश्मन गुंडे जैसे लोग हैं, उन्होंने उस दिन बलवा किया, हत्या की और मेरे बेटे पर केस डाल दिया। मैं उनके लिए उन पर केस अलग से चलाऊंगा, मगर अभी तो आपको ये केस लेना है। मेरे पास सारे सबूत है, उस दिन वो गांव में था ही नहीं। एक वकील, एक पुलिस वाला, डॉक्टर और शहर के कुछ जाने माने व्यक्ति इसमें गवाही दे देंगे, आपको बस कोर्ट में ये बात रख देनी। मगर मालिक, मैं तो मुजरिम से मिले बिना कुछ नहीं करता हूँ। मिलने की क्या बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मिलना नहीं होगा, बस आप केस ले लीजिए। मालिक आप तो बले बले वकीलों के पास जा सकते हैं, मुझे तो छोटे मुख्तार को। देखिए आपकी प्रसिद्धि बहुत है, आप अगर कह देंगे तो जज भी आपकी बात मान लेगा। मगर मालिक मैं मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकूंगा। मैं आपको 500 रुपए दूंगा। मालिक 1,000 रुपए दूंगा, 10,000, और गांव में 50 बीघा जमीन भी आपके नाम लिख दूंगा, चैन से खाएंगे, फिर केस लड़ने की भी जरूरत नहीं। मालिक मैं केस बिना बाबू को देखे नहीं ले सकूंगा। अंत में थका कर जमींदार के बेटे को बुलाया गया, मगर उसे देखते ही रामानंद बाबू चीख पड़े, सर पकड़कर बेहोश होकर गिर गए। बड़ी तीमारदारी से उन्हें उठाया गया, मगर उन्होंने कहा, मालिक मैं केस नहीं ले सकूंगा, बाबू ने हत्या की है, मुझे दिख गया है। देखो रामानंद, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा, तुम्हें जलाकर मार दूंगा, तुम्हें यह केस लेना होगा।
दुखी मन से रामानंद बाबू ढेर सारे पैसे जमीन के कागजात लेकर घर लौट आए। मगर उस रात आश्चर्यजनक बात हुई। बिस्तर पर पड़े पड़े वो ऐसे छटपटा रहे थे जैसे जैसे उन्हें कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा हो और वो उनसे बचना चाह रहे हो। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। बीवी बच्चे सब उठकर आ गए, सब घबरा रहे थे। अचानक रामानंद बाबू ने बेटे से कहा, पैसे जमीन के कागजात लौटा दो, बोलो मैं कितने दूंगा। कुछ दिन बाद अचानक मजिस्ट्रेट साहब का बुलावा आया, जमींदार से भी बड़ा बुलावा था। उस दिन रामानंद बाबू बहुत बीमार थे मगर जाना तो था। अंग्रेज साहब ऐसे तो थे बड़े स्ट्रिक्ट, मगर उस दिन उनके साथ बहुत अच्छे से बात। रामानंद, तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम मुजरिम के बारे में सब देख लेता है, क्या यह सच है? तब तो है। तुम अफीम वगैरह खाता है? नहीं सर, मेरे तल में अमित तो दलद लेता है, मैं कभी तब नहीं कर पाता हूँ। तो तुम कहना चाहता है तुम्हारा ये कहना सच है? जी सर। कोई उदाहरण बता सकता है? सब अभी पिछले दिनों की बात है। क्या बात है? सब एक जगह मुझे बुलाया गया था, कहा गया कि व्यक्ति ने खून नहीं किया है, मगर मैंने देखा मजदूर उसे घेर कर खड़े थे और उसकी ओर कह रहे थे इसने मर्डर किया है, मैंने केस नहीं लिया। आपको याद है वो तीन खून वाला केस जिसमें मैं आपकी अदालत में चिल्ला पड़ा था? हाँ, उसमें तीन में से एक छोटी बच्ची का भी मर्डर हुआ था, मैंने उस बच्ची को देखा था, मेरे सामने आके बोल रही थी कि वो खूनी नहीं है, मैंने तभी आवाज दी थी। हाँ रामानंद, तुम्हारा सिरखा झड़ मेरे को समझ में आ रहा है, तुम हेलोसिनेशन में जीता है, तुमको ऐसा लगता है कि तुमको ये सब हो रहा है मगर वास्तव में होता नहीं है। हम क्रिश्चियन लोग ये सब को नहीं मानते, तुमको पता है, मगर ये हेलोसिनेशन और सिरखा झड़ तुमको क्यों होता है ये हमको ध्यान ना मानता, इसके लिए हमको तुम्हारा सच चाहिए। क्या कहे सर? हमारे एक डॉक्टर दोस्त है कलकत्ता में, मच्छर का पेट काट रहा है और उसमें से मरीज का जीवाणु निकाल रहा है, हम तुम्हारा सर उसको देगा, तुम्हारा मरने के बाद हम तुम्हारा सर ले लेगा। सर मैं हिंदू सब मरने के बाद सही से चेचा नहीं करते, दाह संस्कार जरूरी है। ओ छला का तुम्हारा शरीर का तुम बर्बाद ही तो करेगा, हम तुम्हारा शरीर ले लेगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद सच में रामानंद की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब अंग्रेज साहब को पता चला तो अपने लोगों के साथ वो घर पहुंच गए डॉक्टर लेकर और सबसे ऐलान कर दिया कि लाश को वो ले जाएंगे, मगर वहां पे ठहरे हुए लोगों में खलबली मच गई। धर्म की बात थी, हिंदुओं ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, वो लाठी तलवार लेकर खड़े थे। मुस्लिमों ने कहा अब ये अंग्रेज धर्म के मामले में भी कदम बढ़ाएंगे। सब तरफ लोग तने हुए बैठे थे। अचानक डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, इनका डेथ हो चुका है। अंग्रेज साहब लाश उठाने के लिए आगे बढ़े तो लोग तलवार और फरसे लेकर सामने खड़े थे। अंग्रेज पुलिस और जनता आमने सामने थी कि तभी अचानक अंदर से चीख निकली। रामानंदन बाबू की लाश एक बार फिर से जाग उठी थी, अब की बार उनकी आवाज अलग थी। उन्होंने कहा जब साहब आए तो कहा साहब तुम्हारा दरबान मर गया है, बीवी बच्चों की जान खतरे में है, पहले उन्हें बचाओ। जैसे अंग्रेज साहब को यह पता चला पुलिस लेकर वो घर की ओर दौड़ पड़े। उस दिन उनकी अनुपस्थिति में कुछ डाकुओं ने उनके बंगले पर हमला कर दिया था, उनकी बीवी बच्चे को लेकर एक कमरे में छुपी हुई थी। थोड़ी सी अगर देर हो जाती तो शायद डाकू उस कमरे को खोलकर उनके साथ कोई भी अघटन घटा देते, मगर अंग्रेज साहब तब तक वहां पहुंच गए थे। उन्होंने सारे डाकू मार गिराए, मगर जो हुआ उससे उनका मन बदल गया। उन्होंने रामानंद बाबू का अंतिम संस्कार करवाया और उनकी मूर्ति नदी के पास लगवा दी। नीचे ये शब्द लिखे हुए थे जो शायद शेक्सपियर से लिए गए थे। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी जाना नहीं जा सका है, मगर एक दिन आएगा
जब लोग उसे जान जाएंगे। फ्रेंड्स, देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड विच इज अननोन, बट वन डे वी विल नो अबाउट इट।